दुष्ट निर्मम चीन लाशों के ढेर पर सवार होकर मारकर काटकर महामारी फैलाकर दूसरे देशों पर कब्जा कर किसी भी सूरत में अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए बौखला गया है। अभी लद्दाख का मुद्दा पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ कि चीन उसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश में भी बिलबिलाने लगा है। जानकारी के मुताबिक चीन भारत से तनाव बढ़ाने के लिए निकृष्टता के किसी भी हद से नीचे गिर सकता है। बताया जा रहा है कि चीन एक बार फिर भारत से विवाद बढ़ाने की पूरी तैयारी कर चुका है। बौखलाए चीन ने भारत की सीमा के अंदर एक गांव बसा लिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ है कि लद्दाख में एलएसी विवाद के बाद चीन ने एक गांव बसा लिया है। यह गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है और इसे तसारी चू के नाम से जाना जाता है। इस गांव के किनारे तसारी चू नाम की एक नदी भी बहती है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र भारत और चीन के लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। मतलब चीन की जहां तक नजर चली जाए वहां तक उसे अपना कब्जा नजर आता है। फिलहाल इसे सशस्त्र लड़ाई वाली जगह के रूप में भी चिन्हित किया गया है। यहां चौंकाने वाली बात यह नजर आती है कि तसारी चू गांव में जो निर्माण कार्य 1 नवंबर 2020 को नजर आ रहा है वे 26 अगस्त 2019 में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था और ना ही वहां पर कोई ऐसी गतिविधि भी नजर आ रही थी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पिछले साल के मध्य भारी तनाव के बीच चीन अरुणाचल प्रदेश में भी भारत के साथ विवाद बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसके लिए उसने पूरी तैयारी के साथ राज्य में एलएसी से करीब 4.5 किलोमीटर अंदर भारत के इलाके में 100 घरों से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा कर एक गांव ही बसा लिया है। यह पूरी जानकारी ताजा सैटेलाइट्स की तस्वीरों के जरिए मिली है। करीब 2.5 महीने पहले नवंबर 2020 की शुरुआत में ली गई इन तस्वीरों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर कोट करते हुए कहा, रिमेंबर हिज प्रॉमिस, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। राहुल गांधी के इस बात को कहने की देर नहीं थी कि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उन पर पूरी तरह बरस पड़े। उन्होंने राहुल गांधी के इस ट्वीट पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा, कब झूठ बोलना बंद करेंगे? कांग्रेस ने चीन के सामने सरेंडर क्यों किया? नेहरू ने अरुणाचल प्रदेश की जमीन चीन को क्यों दी? राहुल गांधी चीन से मिला चंदा कब वापस करेंगे? वगैरह वगैरह। फिलहाल चीन की काली करतूत के बाद राजनैतिक घमासान अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है।